Let's talk about the second book, It Starts With Us. Second book of the It Ends With Us. ये book में मैंने like 2 months back finish की थी and this book is also good. It starts with the Lilies and Atlas encounter in the Boston. So वहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से फिर से मुलाकात हो जाती है. Lily Atlas का first love kind of चीज़ होती है and वहाँ पे Lily you know उसके बेटी के साथ, her name is Emerson and she is you know staying there and वहाँ पे उसका उसे Atlas मिल जाता है. Atlas is there for the case investigation. Basically एक hotel kind of restaurant है जिसपे बहुत सारी तबाही डैमेज वगैरह हो चुका होता है. वो बेसिकली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया. लिली इज स्टिल वरीड अबाउट हर एक्स हस्बैंड दैट इज रैली बिकॉज उसके अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से एंड उसकी बेटी पे कोई असर ना हो. सो शी इज इन लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल एंड बिकॉज ऑफ दैट लिली ट्राइज टू रीच आउट टू द एटलस बट तो बहुत ही डिले कर देती है. एंड देयर इज अनदर कैरेक्टर थियो इन दिस रेस्टोरेंट जहाँ पे एटलस थियो को बता देता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, why he is not approaching Lily and वगैरह. वो finally वो उसे reply कर देता है. So Lily जब वापस घर आ जाती है तो then she find out कि Riley वहाँ पे already आ चुका है and he wanted to stay there, he wanted to get back into the relationship. But Lily को थोड़ी सी भी you know wish नहीं होती कि उसके साथ रहने की. Still they agrees कि overnight उसके साथ रहने के लिए, Emerson को overnight उसके साथ रहने के लिए permission दे देती है. But still she is in confusion because of his uncontrollable anger. Next morning Atlas को पता चलता है कि उसका और एक रेस्टोरेंट है कि जहाँ पे डैमेजिंग हो चुकी है. बेसिकली वह से एक स्ट्रेंजर का फोन आ जाता है. ही ट्राई टू हंग दैट अप कॉल दैट एंड ही लिली ट्राइज टू रीचेस टू द एटलस बिकॉज ऑफ रैली आ जाता है. बट यू नो बिकॉज ऑफ रैली इज देयर ऑन द सडन नोटिस लिली ट्राई टू हाइड एटलस टू अवॉइड द फर्दर मिसकम्युनिकेशन. लिली और एटलस कहते हैं कि वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द इवनिंग. बेसिकली ये स्टोरी आगे पीछे मूव ऑन हो जाती है. देन एटलस उसे एज अ डेटिंग के लिए पूछ जाता है कि यू नो नाइट आउट सॉरी डेट के लिए फॉर अ डिनर पूछता है. एंड लिली ऑल्सो एग्रीज दैट एंड लिली उसे बताती है कि वॉट इज हैपनिंग हर लाइफ. रैली की फिर से एंट्री हो चुकी है एंड देर इज दिस जर्नल जो हमने लास्ट बुक में भी देखा था. जब वो 15 ईयर्स की थी तो वो जर्नल लिखती थी अबाउट हर फादर एंड उसके साथ कैसे कैसे मॉम के साथ कैसे हुआ था. एंड उसमें से कुछ पेजेस वो एटलस को पढ़ के दिखा दिया. द नेक्स्ट डे एटलस क्लीन ऑल ऑफ दिस जो उसका डैमेज हो चुका है वो सब कुछ क्लियर करके आता है. एंड वहाँ पर लिली अपने बेटी को यानी कि Emerson को अपने एंड के पास यानी कि उसके यू नो एक्स हस्बैंड के सिस्टर के पास छोड़ के आती है. बेसिकली वो जब डेट पे जाने होते हैं तब शी फॉल्स अस्लीप एंड उसके बाद एटलस यू नो लिली को जर्नल लिखने की बहुत ही आदत होती है. सो एटलस ऑल्सो ट्राइज दैट. वो उसके लिए एक नोट लिखता है अबाउट हर पास्ट एंड एवरीथिंग एंड ही ट्राई टू कीप दैट नोट इन दैट जर्नल. लिली जब रिटर्न आती है जिसके एलिसा के घर पे जाने के लिए यू नो टू गेट द Emerson एंड उसके बाद वहाँ पे शी फाइंड आउट कि रैली वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. उन दोनों पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है एंड दे सेड कि ये अपने बेटी का नाम अपने फाइंडिंग नेमो करके जो मूवी है उसके हिसाब से रखा है. रैली को पता चल जाता है कि ये मूवी और एटलस का कुछ तो कुछ कनेक्शन है बिकॉज ये मूवी जब लिली और एटलस जब टीनेजर में थे उस टाइम के थी फाइंडिंग नेमो दिस मूवी एंड उसके हिसाब से उसने उस बेटी का नाम रखा है. देयर आर सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन बिटवीन द लिली एटलस एंड रैली अगेन एंड द स्टोरी अगेन बिकम्स अ ट्रायंगल स्टोरी. उस पर जस्ट एक तो उसकी डॉटर का कैरेक्टर हो जाता है एंड देर इज दिस ब्रदर ऑफ एटलस वो भी इस पर थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाता है एंड स्टोरी ऐसे ही आगे पीछे मूव ऑन हो जाती है. आई डोंट लाइक दिस मच दिस बुक दैट मच टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. सेकेंड बुक ऐसा लगा कि जैसे ये लिखने के लिए लिखी है बट नॉट इन द डेप्थ ऑफ इट. सो बेसिकली उसके बाद एटलस और लिली की ऑफिशियली शादी हो जाती है. ऑफिशियली दे बिकम द कपल एंड लिली को अपने बेटे की कस्टडी मिल जाती है. उसके लिए उससे फाइट करना होता है रैली के साथ एंड ही इज ऑल्सो रिसीव्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम हिज एक्स हस्बैंड अबाउट अब्यूजिव टेक्स्ट एंड वर्बल अब्यूज एंड एवरीथिंग अबाउट यू नो हर. बाद जब यू नो उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है देन ही ट्राई टू यू नो try to do the abusing thing with the Lily and then वो एटलस को कॉल कर देती है अबाउट द एंड स्पीक टू द लॉयर एंड एवरीथिंग यू नो. बेसिकली कोर्ट कचहरी का सारा मामला यहाँ पे हो जाता है एंड उसका जब एक्स हस्बैंड उसके यू नो होटल पे एटलस को देखता है देन ही इमिडिएटली उसे पंच कर देता है एंड ऑन अदर एंड एटलस ट्राई टू बी बिकम वेरी क्लार्क एंड
एंड वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है. बेसिकली उन दोनों में बहुत सारी फाइट वगैरह हो जाती है एंड देन स्टोरी मूव्स अबाउट दैट फाइट. एंड उसके दे वांटेड टू इंक्लूड देयर सिस्टर, दे वांटेड टू इंक्लूड देयर मदर इन लॉ, लिली वांटेड टू इंक्लूड देयर मदर इन लॉ. एंड ये स्टोरी वैसे आगे पीछे मूव ऑन हो जाती है. एंड सिक्स मंथ लेटर उसे एटलास एक लेटर भेज देता है कि कैन यू मूव ऑन विद मी, कैन यू यू नो मूव ऑन विद मी एंड वी विल स्टार्ट न्यू लाइफ, ऐसे करके वो लेटर वो भेज देता है. लिली वो लेटर एक्सेप्ट कर लेती है. एंड ऑन द लिविंग डे, जिस दिन वो लिली छोड़ के जाने वाली होती है बॉस्टन एंड एवरीथिंग टू स्टे विद द एटलास रैली, उसका एक्स हस्बैंड उसे छोड़ने के लिए आता है. इवन दो ही इज अ वेरी एंग्री बट बिकॉज ऑफ हर डॉटर वो ऐसे से छोड़ देता है. ईयर एंड हाफ लेटर तो उन दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है एटलास और लिली. एंड उस वेडिंग में जब वो वोस ले ले होते हैं एंड दे ट्राई टू यूज स्पेसिफिकली फाइंडिंग नेमो जो मूवी में दिखाया गया है उस टाइप के वोस वो लेते हैं एंड दे लिव हैप्पीली. सो दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स. दिस इज काइंड ऑफ अ ओकेश और द एवरेज बुक आई विल से एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. बट इफ यू हैव रेड द फर्स्ट वन यू कैन डेफिनेटली रेड द सेकेंड वन ऑल्सो. बट अगेन दैट इज द सेम ट्राइंगल, दोनों में झगड़े होते हैं एंड एटलास आके वो झगड़े सॉल्व कर देता है एंड अल्टीमेटली हैप्पी एंडिंग. दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. दो आई हैव लाइक दिस बुक बट आई विल रेड दिस बुक अराउंड 3 to 3.5. नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, बट इट इज ओकेश बुक आई विल से. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. देन मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट डाउन वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक एंड हैव यू रेड दिस बुक और एनी अदर बुक बाय द ऑथर. लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.